नजरों में तेरे सपने, तेरे सपनों में नाराजगी। फाइनली फाइनली आ गई हमारे साथ। ठीक है बाय, मिलेंगे दोबारा पूजा की शादी में अगर राजी खुशी रखेगी माँ मठियाना। तो ना जाएगी भाई श्रीनगर और भैया लोग जाएंगे घर। तो फाइनली गाइज अब मैं आपको सीधे मठियाना देवी मिलने वाला हूँ। और ये मेरी बहन भाई हेलमेट लेके चली गई है। अटैची कहाँ है? मैं तभी कहूँ यार ये मेरी बहन मेरा हेलमेट लेके मेरी मदद कर रही है, ये तो मेरे ऊपर और प्रॉब्लम छोड़ के चली गई है छूट के। तो गाइस मैं आपको आप सीधे मिलूंगा मठियाना देवी में, माँ मठियाना के दर्शन कराऊंगा। और इस ब्लॉग में पूरा बने रहेगा, लास्ट में माँ मठियाना के दर्शन करना मत भूलिएगा। शुभम भाई, तो गाइस अभी हम भाई पहुंच गए हैं ब्योता में, ब्योता नहीं खरगेट में। और यहाँ पे भाई इनकी गाड़ी बार बार रुक रही है, मैं भी इनको रोकना पड़ रहा है। तो हम दोनों जा रहे हैं बाइक में, तो आपको मिलते हैं। अरे शुभम, दिस इज माय बेना, ये तो कभी जॉब नहीं करती है ना भाई। बेना अच्छी आ जा, सुनो ये तो फेम में भी नहीं थी मठियाना के। हां मजा रहा है, मजा रहा है, बाइक मजा रहा है। सॉरी अच्छी रोड से आना। फाइनली फाइनली आ गई हमारे साथ। ठीक है बाय। और अभी हम यहाँ से थोड़ा घर जाएंगे, बाकी भैया गाड़ी चला रहे हैं, भैया को दिखा दो थोड़ा सा। हम पहुंच चुके हैं भाई सोरा खाल में। और भाई देखो हम कह रहे थे सोना आएगी नहीं आएगी, भाई आखिर सोना आ गई भाई मठियाना खाल के लिए। तो यहाँ पे ज्योति बिहार की है, दिव्या बिहार की है। और यहाँ पे आपको हिमालय दर्शन भी कराएंगे हम, और हिमालय दर्शन हम आपको सीधे कराएंगे मठियाना से। फिलहाल यहाँ पर नया नया कपल भाई फोटो शूट कर रहा है। और यहाँ देखो इन परियों को, ये हिमालय के इन वादियों में शानदार फोटो खींच रहे हैं। और सोना भाई सोना के साथ थोड़ा बहुत धोखा भी हुआ, और थोड़ा बहुत उसे मठियाना घूमने का मौका भी मिला। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए भाई मठियाना मंदिर के प्रवेश द्वार पे, माई के पास पहुंच चुके हैं। दूल्हा और दुल्हन अभी दूर है भाई। चलिए जी मोनिका के हस्बैंड ही पहुंच गए भाई। चलो पायलट साहब पहुंच गए। तो गाइस फिलहाल यहाँ पे सबसे पहले भाई फोटो शूट की जा रही है। माँ भगवती के मंदिर में भी हमने प्रवेश नहीं किया, और यहाँ पे पहले फोटो शूट हो रहा है। और अभी भी दुल्हन नहीं पहुंची भाई। तो भाई ये सोना भी पहुंच गई है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा माता रानी की। माता रानी ने खींच लिया आपको? खींच दिया। सुबह क्या था प्लान? सुबह तो मतलब पूरा ना हो गया था, सत्यानाश हो गया था प्लान का। अरे घंटी नहीं बजी उससे छाया छोटी होगी इसकी, बहुत छोटी होगी। देखो हे गाइस फिलहाल हम पहुंच गए हैं माँ भगवती मठियाना के प्रांगण में। और यहाँ का नजारा कुछ इस तरह से है भाई। तो इस तरह पूरे चारों तरफ से बाउंड्री में घंटियां ही लगी हुई हैं हजारों में। और यहाँ से भी लोग आते हैं, तो यहाँ पर भी प्रवेश द्वार है। और कुछ लोग उस तरफ से आते हैं, तो वहाँ पर भी प्रवेश द्वार है। और माँ भगवती मठियाना का जो मंदिर है वो ये है। और फिलहाल सारे लोग भाई मंदिर के अंदर चले गए हैं। तो गाइस यहाँ पर एक बांज का पेड़ है, और इसके भाई
माना जाता है कि अगर आपको अपनी विश पूरी करनी है तो आप अपने विश के नाम पे यहाँ पे धागा बांध सकते हैं, तो आपकी जो मंडत है भाई पूरी की जाती है माँ भगवती के द्वारा। राजा भाई आप भी बांधोगे यहाँ पे धागा? तो हमारी कोई मन्नत है नहीं वैसे। बहुत सेटिस्फेक्शन वाले भाई इंसान है ये, इनकी कोई अभी माँ से कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं है क्योंकि जो भी हम आए हैं माँ की बदौलत है, माँ की बदौलत। तो चलिए गाइस फिलहाल आपको लेकर चलते हैं माँ भगवती के मंदिर के भीतर, और फिलहाल तो भाई हम लोग भी जाने वाले हैं पूजा करते हैं यहाँ पे, तो ये लोग अभी भी फोटो शूट कर रहे हैं। तो चलिए गाइस आपको दिखाते हैं यहाँ पे पूजा और माँ भगवती के दर्शन भी कराते हैं। तो बोलो भाई माँ भगवती मठिया की जय। तो कर लीजिए गाइस दर्शन माँ भगवती के, और अगर आप अपने घर में बैठे हैं कहीं भी है तो आपको मैं यहाँ से दर्शन करवा रहा हूँ। गाइस ये है माँ भगवती मठियाना, तो यहाँ से दर्शन कर लीजिए। तो गाइस ये नारियल श्रीफला और रोट प्रसाद है भाई, ये भी यहाँ पे काटना है और नारियल भी फोड़ना है। तो फिलहाल यहाँ पे मोनी के हस्बैंड है भाई और हम तो जा रहे हैं रोट काटने के लिए, तो यहाँ पर रोट प्रसाद भी काट दिया हमने। चार कर दो, चारों तरफ फेंकेंगे फिर ना, पानी होगा तो यहाँ चढ़ा देंगे, पानी मंदिर की तरफ फेंकना है। लोगों के साथ है भैया तो पता चल गया। गाइस ये है माँ भगवती मठियाना, तो अपनी इच्छाओं को माँ भगवती के सामने जरूर रखें। माँ भगवती भाई आप सभी की मन्नत पूरी करें, जो आपके दुख है उनको दूर करे। तो गाइस टाइम हो चुका है भाई यहाँ पे पूजा करने के बाद लंच का, और यस और हम खा रहे भाई यहाँ पे पूरी छोले, और भाई घर से ला रहे थे बहुत सारी चीजें, तो यहाँ पे पिकनिक भी चल रहा हमारा भाई, इतने सारी पूरियां ला रखी है। और भाई वो जो नया कपड़ है वो हमने बैठा रखे है। तो चलिए गाइस समझ नहीं हमारे पास बहुत ज्यादा। तो गाइस फाइनली भाई यहाँ पे माँ मठेरा मंदिर के सामने हमने पूजा भी कर दी है और खाना भी खा लिया, अपना पिकनिक भी मना दिया हमने, और हम सब भाई अब अपने अपने दिशाओं की तरफ जा रहे हैं। तो ये भुल्ली हमारी ये नई नवेली दुल्हन ये जाएगी अपने ससुराल, राजा जी जाएगा भाई गोचर, और ये मोनी के हस्बैंड शर्मा रहे हैं। तो सोना जाएगी भाई श्रीनगर, और भैया लोग जाएंगे घर, मैं जो जो दिव्या जाएंगे घर बाइक में। और बताएंगे आपको मठियाना देवी कैसा लगा? मिलेंगे दोबारा पूजा की शादी में, अगर राजी खुशी रखेगी माँ मठियाना। तो चलो भाई हो चुका है, देखिए अपना स्वस्थ रहिए मस्त रहिए, आजकल बाघ लग रखा है तो थोड़ा अपना ध्यान दीजिए, बच्चों का ध्यान दीजिए, ठीक है। श्रीनगर में कर्फ्यू लगा हुआ है गाइस। नमस्कार। तो गाइस अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग उसे अनुमति लेते हैं। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय माँ मठियाना, जय श्री राम।